हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे DIYs मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियोस में कबाड़ वाला जुगाड़ लाया था, आपको पसंद आया था, बहुत सारा पसंद आया था। तो इस बार भी मैंने कबाड़ वाला जुगाड़ ही आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप ये भी आपको अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो पे। तो फर्स्ट DIY करने के लिए मैंने एक तवा लिया था जो बहुत ही पुराना था, तो उसे हम पेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल पेंट लिया है। नेक्स्ट मैंने अगेन यहाँ पे ऑयल पेंट ही यूज़ किया है। उसके बाद में हमने प्रिंट आउट लिया था जिसे हमने ट्रेस कर लिया था एक, और फिर उसे एक्रेलिक पेंट से हमने इस तरह से कलर कर दिया। कलर करने के बाद उसे अच्छे से ड्राई कर लिया था और फिर उसे वार्निश लगा दिया। तो काफ़ी सुंदर लगा है, आपको कैसा लगा ये मुझे बताना है। इस तरह से आप छोटा मोटा जुगाड़ करके आपके गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने भी बहुत सारे जुगाड़ इसमें लगाए हैं और मेरे गार्डन को बहुत डेकोरेट करने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है। अगर आपको भी मेरा गार्डन अच्छा लगता है, मेरे DIYs अच्छे लगते हैं, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी आपको करना है। एक स्टैंड था तो इसे मैंने ऐसे रख दिया था, तो ये काफ़ी ख़राब हो चुका था। कबाड़ से मैंने निकाला और इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। नेक्स्ट मैंने इसे कलर कर दिया, ऑयल पेंट लगा दिया अच्छे से क्लीन करने के बाद में, और उस पर भी थोड़ा सा एक्रेलिक पेंट का यूज़ करके छोटी बड़ी एक डिज़ाइन निकाल ली। जो भी आपको डिज़ाइन आती है फूल पत्तियाँ वाली, वो आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा ये स्टैंड भी हमने डेकोरेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसे सजाया है। अब तक ये ऐसे ही रखा था, तो अभी मैंने इसे कलर करके गार्डन में अपने सजा दिया, तो अच्छा लग रहा है। छोटी बड़ी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांटर्स होते हैं, उस पर हम अच्छे से रख सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे मिट्टी वाला मटका लिया है जिसे पहले गीला कर लिया था। नेक्स्ट मैंने एक शार्प कोई भी टूल लेना है, यहाँ पे मैंने कैंची ली है, कोई भी शार्प टूल से यहाँ पे इसे होल करना है। होल करने के बाद में हमने एक बड़ा सा पॉट लिया था मिट्टी वाला, जिसके अंदर हमें रखना था, तो यहाँ पर हमने रख दिया, सेट कर लिया था प्रॉपर तरीके से, और उसके अंदर एक पंप लगा दिया। जो कूलर की जो छोटी मशीन आती है उसे हमने यहाँ पे लगा दिया, और सिंपली हमने उसके ऊपर ये पॉट जो था मिट्टी वाला, इसे फिक्स कर दिया। इसे फिक्स करने के बाद में हमने फाउंटेन बनाना है, तो इसे हमने लास्ट कॉर्नर में रखा। नेक्स्ट इसे थोड़ा सा तिरछा रखा ताकि प्रॉपर पानी गिर सके, और फिर उसे नीचे की साइड में हमने थोड़े पत्थर और दो पॉट यहाँ पे लगा के इसे सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये एक स्पाइडर प्लांट वाला था जिसके अंदर पानी नहीं जा सके, इस तरह से हमने इसे रखा था। और बस इसके अंदर हमने थोड़े से प्लांट ऐड कर दिए जो पानी के अंदर आराम से रह सकते हैं, और हो गया हमारा रेडी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मिट्टी वाला पॉट लिया है जिसे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। काफ़ी सुंदर लगता है, एक छोटा सा पॉट है, इस तरह के काफ़ी सारे पॉट हमारे यहाँ पे रहते हैं। उसे एक्रेलिक कलर से हमने कलर कर दिया और बस उसे भी डेकोरेट कर दिया। इस तरह के जो छोटे छोटे प्लांटर्स होते हैं ना, इस तरह से डेकोरेट करने के बाद में आप कहीं पे भी इसे रख सकते हैं, किसी कॉर्नर में रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, सेंटर टेबल पे रख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। सिंपली हमने इसके ऊपर पेंट कर लिया है। यहाँ पे हमने ब्रश का यूज़ किया है, आप चाहे तो 3D आउटलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने थोड़े कांच लगा दिए, और हमारा ये भी पॉट बहुत प्यारा सा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। सभी DIYs आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड हाँ, हो सके तो शेयर कर देना। अगर गमला बड़ा है तो आप उसे टेराकोटा कलर लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से वो सेट हो जाता है, सूख जाता है, सीमेंट कलर उसे बोला जा सकता है, तो आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक बॉटल ली है जिसके ऊपर हम क्ले आर्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने मोल्डेड क्ले लिया है जिसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद में उसे तीन हिस्सों में हमने अलग कर लिया, और यहाँ पे इस तरह से हमें डेकोरेट करना है। तो इसे सिंपल आपको फेविकॉल लगा के इसे चिपका देना है, ये इजीली चिपक जाता है। आप चाहे तो वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह के छोटे छोटे DIY करके आप अपने गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बॉटल बनाएंगे जिसे बर्ड वाला शेप हम देने वाले हैं। देखते हैं कौन सा बर्ड बनता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है। इस तरह के DIY बनाने के लिए, बर्ड बनाने के लिए आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास में कांच वाली बॉटल हो, कोई भी बॉटल आप लेके उसके ऊपर इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और अलग अलग शेप देके आप, प्रॉपर नहीं भी आता है आपको क्ले वर्क वगैरह, तो आप बना सकते हैं DIY। यहाँ पे मैंने क्ले कटर का यूज किया है, आप इसे पेन कटर भी बोल सकते हैं, पेन कटर ही बोला जाता है एक्चुअली। तो इस तरह से कोई भी छोटे मोटे जो कटिंग्स होते हैं उससे किए जा सकते हैं। इस तरह से हमें फेविकॉल लगा के इसे भी यहाँ पे चिपका देना है। और टोटली ड्राई होने के बाद हम इसे कलर करेंगे। अगेन हमने यहाँ पे जो है कलर सभी एक्रेलिक ही कलर यूज किए हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक बॉटल ली है जिसके पंख हम बनाएंगे बर्ड के। तो ये प्लास्टिक वाली बॉटल काफ़ी सारे हमारे घर पे पड़े रहते हैं तो उसका यूज़ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे हम इसी से बर्ड के जो पंख है वो बनाएंगे। एक बात आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि काफ़ी दिनों के बाद में मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। क्या होता है कि आप लोग कॉमेंट नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब बातें चलती रहेगी, बट हमें तो काम करना है। तो इसके लिए आपको मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना है। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए। फेदर को हमें अच्छे से प्रॉपरली कट कर लेना है। कट करने के बाद उसे हम कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए यहाँ पे हमने अगेन एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। बॉटल भी अच्छे से ड्राई होने के बाद हमें उसे भी कलर करना है। यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं। आप चाहे तो फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से कलर करेंगे और कलर करने के बाद में, ड्राई होने के बाद में, सभी DIYs को हमें वार्निश करना है। हमें इसे पिक्चर वार्निश करना है ताकि ये जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से रह सके। नेक्स्ट हमने जो फेदर बनाया था उसे हमने चिपका दिया है ग्लू गन की हेल्प से। इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। पूछ रह गई थी, उसे भी हम यहाँ पे चिपका देंगे और इसे भी हम फिर स्टिक के ऊपर हम इसे फिक्स कर देंगे। किसी भी प्लांट के अंदर हम इसे रख सकते हैं। हमने एक स्टिक लिया था, कोई भी लकड़ी जो आती है ना गोल वाली पतली सी, उसको फिक्स कर देंगे, उसके ऊपर इसे रख देंगे। काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से बर्ड हम रेडी कर चुके हैं। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और आपको याद से शेयर भी करना है। तो यहाँ पे हमारे सभी DIYs बन के रेडी है। तो आई होप सभी अच्छे लगेंगे आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना। फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए DIY के साथ में।